हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फैशन मंत्रा विथ रिया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल फैशन मंत्रा विथ रिया में। तो आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही खास है, जो कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस कितना ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसकी अवेयरनेस हम सबको करनी है। उसके लिए जो प्रिकॉशंस है वो सभी हम लोग को लेने हैं। तो उसी के लिए एक मेरी छोटी सी कोशिश है, ये कैप बनाने की और ये मास्क बनाने की। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। तो बिना किसी देरी के चलिए हमारा वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पैटर्न जो आपको दिख रहा है पिक्चर में, ये बना लेना है। मेजरमेंट्स मैंने काफ़ी क्लियरली दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब आप बनाएं तो आप इजीली बना सकें। तो अब हम एक पैटर्न बनाएंगे और फैब्रिक को डबल फोल्ड रखेंगे और उसी से दो पीस जो है वो फैब्रिक के कट कर लेंगे। हमें कट किए हुए फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। हमें फैब्रिक के थ्री साइड्स को स्टिच करना है और एक साइड को छोड़ देना है ताकि इसको हम पलट सकें। साइड पे स्टिचिंग करने के बाद हमें इस पे हल्के हल्के छोटे छोटे नॉचेस देने हैं और नॉचेस देने के बाद हम इसको पलट लेंगे। पूरे तीनों साइड पे हमें नॉचेस देने हैं फैब्रिक में और अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे। और पलटने के बाद हम इन दोनों पैटर्न्स को इस तरह से रखकर इनको आपस में जॉइन कर देंगे और स्टिचिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसकी साइड को इस तरह से फोल्ड करके इसमें भी स्टिचिंग लगा देंगे। दोनों साइड स्टिचिंग हमारी लग चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। अब इस तरह से हम दो छोटी छोटी पट्टी काटेंगे जिनका मेज़रमेंट है, मैंने इसकी जो लेंथ है वो 4th रखी है और विड्थ है वो 1.5 इंच रखी है। इन दोनों पट्टियों को इस तरह से दोनों साइड्स पे हम स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हम दोनों साइड पर जो है पट्टियों को स्टिच कर लेंगे। इससे हमारी जो है साइड की फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी आएगी और हमारा मास्क बहुत ही खूबसूरत लगेगा। 1.5 इंच चौड़ी और 30 इंच लंबी दो पट्टियों को कट करेंगे और इस तरह से पूरे मास्क पे फिनिशिंग दे देंगे उन पट्टियों से। इसमें आप देख सकते हैं मैं किस तरह से फोल्डिंग कर रही हूँ। इसी तरह की सेम फोल्डिंग आपको भी करनी है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं अपने सारे वीडियोस में अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, बट फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है। और अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी इसी तरह का खूबसूरत सा मास्क अपने लिए बना सकें। अब मैंने इसको स्किप इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अच्छे से दिखाना चाहती थी आप लोगों को कि मैंने फोल्डिंग कैसे की है, क्योंकि फिनिशिंग अच्छी होती है हमारी किसी भी चीज़ में तो वो अपने आप अच्छी लगने लगती है। तो इसी तरह से आप लोग को भी अच्छे से फोल्ड करते हुए जो है हमारी स्टेप्स में फिनिशिंग देनी है। आप लोग देख सकते हैं हमने पूरे मास्क को बहुत अच्छे से फिनिशिंग दे दी है और हमारा मास्क जो है वो बन के तैयार हो गया है। उसमें बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग दी है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है।
तो अब हम बनाते हैं कैप। उसके लिए हम एक फैब्रिक लेंगे, उसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे और 10 इंच का एक राउंड जो है सर्कुलर राउंड पूरे फैब्रिक पर बना लेंगे और 1 इंच का अलाउंस रखेंगे इसमें इलास्टिक के लिए। और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो हमारी जो कटिंग है वो हो गई है और ये जो है वो 20 इंच का एक सर्कल है जो कि पूरा 20 इंच का है। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे और उसको भी इसी सर्कल के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो है वो फैब्रिक थोड़ा सा कम पड़ गया था तो उसमें थोड़ा सा एक जॉइंट आ गया है और मैंने ये सर्कल कट कर लिया है। अब इसमें चारों तरफ हम स्टिचिंग लगा देंगे। तो स्टिचिंग लगाना हम स्टार्ट करते हैं। इसको स्टिचिंग करने के बाद इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक जो मेरी दिख रही है उसको मैं कट करके हल्के हल्के से नॉचेस दूंगी, फिर उसके बाद इसको पलट दूंगी और इसको पलटने के बाद थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी ताकि ये अच्छे से राउंड शेप में आ जाए। हमने अपने फैब्रिक को पूरा स्टिच करके पलट लिया है और इस पर प्रेस भी कर दी है और अब हम इस पर 0.5 यानी कि 1/2 इंच की मार्किंग करके इसमें पूरी गोलाई में स्टिचिंग करेंगे। मैंने 0.5 की जो है अलाउंस रखी है ताकि हम इसमें जो इलास्टिक डालें वो इस अलाउंस में अच्छे से फिट हो जाए। तो अब हम इसी तरह से पूरे कैप में राउंडनेस में स्टिचिंग करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अब हमें इसमें इलास्टिक या फिर कोई आपके पास रिबन हो उसको इन कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मार्केट ओपन नहीं है तो हमें जो भी है उसी से काम चलाना है। तो आपके पास अगर इलास्टिक है तो बहुत अच्छी बात, आप इलास्टिक डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई आपके पास पहले से कुछ ऐसी चीज़ हो जिसको आप इसमें यूज़ कर सकती हैं तो आप वो इसमें इन कर लीजिए। तो ऑलमोस्ट मेरा ये डन हो चुका है और इलास्टिक इन करने के बाद इसको आप खींच देंगे तो आप लोग देख सकते हैं मेरा ये कैप जो है वो बनके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा मास्क जो है वो बनके तैयार हो चुका है और इसको मैं आप लोग को पहन के दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरा फेस जो है वो कवर हो चुका है, मेरा पैटर्न यानी कि एकदम सही है। सो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।